हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे क्लास का सेकेंड डे है। फर्स्ट क्लास में हमने कोन बनाना सीख लिया है। आई होप आपने कोन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। अभी आज हम मेहंदी के सबसे बेसिक एलिमेंट्स सीखेंगे, जिससे आप मेहंदी 100% सीख जाओगे, अगर आज के एलिमेंट्स आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, इस तरीके से अगर आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। आप स्ट्रेट लाइंस बनाते जाइए जब तक आपकी एकदम स्ट्रेट नहीं आती। अभी ये पूरे रॉन्ग है, इस तरीके से आपको लाइंस नहीं बनानी है। अब देखिए मैं कैसे स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। देखिए, मैं मेहंदी ऊपर से डाल रही हूँ। देखिए, मैं कौन उठा के स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ, उससे कि मेरी स्ट्रेट लाइन एकदम क्लीन और परफेक्ट आ रही है। जब तक आपकी लाइंस इस तरह क्लीन और स्ट्रेट नहीं आते, तब तक आपको स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। तब तक आगे के एलिमेंट्स नहीं लेने हैं आपको प्रैक्टिस में। इसी की प्रैक्टिस करते जाइए, 3-4 बॉक्स बनाइए, उसमें स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कीजिए, जब तक इस तरीके से आपके स्ट्रेट लाइंस नहीं आते। जब आपकी स्लिपिंग लाइन एकदम स्ट्रेट परफेक्ट आने लगेगी, तब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना, थिक लाइंस की तरफ। देखिए, अगर आपकी थिक लाइन ऐसे बन रही है तो ये रॉन्ग है। करेक्ट थिक लाइन बनाने के लिए इस तरीके से 4 स्लिपिंग लाइंस स्ट्रेट बना लीजिए। उसके बाद सेंटर में जो 2 लाइंस है उसको इस तरीके से भरते जाना है, एकदम क्लीन। अभी ये एकदम करेक्ट है। आपको इसी तरीके से कंटिन्यूसली नीचे नीचे प्रैक्टिस करते जाना है। अभी हम स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने इधर स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस की है, उसी तरीके से आपको स्टैंडिंग लाइन की भी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, इस तरीके से नहीं बनानी है। नीचे जो एक दूसरे को एकदम पैरेलल है, उसी तरीके से आपकी भी आनी चाहिए। स्टैंडिंग लाइन में हम थिक लाइन कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। स्लिपिंग लाइंस हो गई, स्टैंडिंग लाइंस हो गई, अब हम चलते हैं स्लैंटिंग लाइंस की तरफ। इसमें भी हम उसी तरीके से स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से आपको स्लैंटिंग लाइंस की भी प्रैक्टिस करनी है। दोनों तरफ से आपको स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करनी है। जब तक लाइंस प्रॉपर नहीं आती, तब तक आगे का एलिमेंट प्रैक्टिस के लिए नहीं लेना है। देखिए, इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। तो अब हम सीखेंगे डॉट्स कैसे बनाते हैं मेहंदी में। डॉट्स बनाते समय बिगिनर्स सर्कल बना के उसके अंदर ऐसे भर देते हैं। इस तरीके से डॉट्स नहीं बनाते हैं। कितना भी बड़ा सर्कल और डॉट क्यों ना बनाना हो, मेहंदी एक ही जगह पे प्रेस करनी है। हम जैसे जैसे मेहंदी प्रेस करते जाएंगे, हमारा डॉट बड़ा बड़ा बनते जाएगा। देखिए, इस तरीके से जैसे जैसे मेहंदी प्रेस करते जाएंगे, एक ही जगह पे हमारा डॉट बड़ा होते जाएगा। और यही डॉट्स बनाने की सही टेक्निक है। इसी तरीके से डॉट्स बनाते हैं। देखिए, अब हम लाइन पे डॉट्स बना के देखते हैं। अब इस तरीके से आप डॉट्स की प्रैक्टिस करते जाइए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। ड्रॉप बनाते समय बहुत लोग, बिगिनर्स जो होते हैं ना, वो शेप बना के उसमें भर देते हैं इस तरीके से। तो ऐसे भरना नहीं है।
एक ही जगह बहुत सारी मेहंदी प्रेस करके उसे इस तरीके से बाहर की तरफ स्प्रेड कर देना है और ड्रॉप बनाना है। उसी तरह हम लीव भी बनाएंगे, लीव्स के शेप्स। लीव्स के शेप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिगिनर्स को, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में लीव्स बहुत पतले पतले और छोटे आते हैं, आप लीव्स का शेप बना के उसको भरना नहीं है, और ऐसे पतले पतले भी नहीं निकलने हैं। देखिए, एक ही जगह पे बहुत सारी मेहंदी प्रेस करके उसको लीव्स का शेप दे देना है। आप बहुत सारे बंचेस भी बना सकते हैं लीव्स के, लेकिन इस तरीके का लुक उसका दिखना चाहिए। एकदम मोटी लीव्स बनानी है आपको, पतले पतले नहीं बनानी है, वो बिल्कुल भी फिनिशिंग में नहीं लगते हैं। फिर इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। अब हम सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे प्रॉपर तरीके से। आपके स्टार्टिंग में सर्कल इस तरह के बिल्कुल सेम सेम नहीं आएंगे, तो आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है सर्कल की, बड़े सर्कल की भी करनी है और छोटे सर्कल की भी करनी है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर। हुए बड़े और ये हमारे छोटे सर्कल्स, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं दिखना चाहिए, एकदम भरे हुए दिखने चाहिए ये। जब हम डिज़ाइन में फ्री हैंड भरेंगे तो इस तरीके से वो दिखने चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसे दिखेंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसे नहीं दिखने चाहिए, इस तरीके से दिखने चाहिए। अभी हम मेहंदी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो मेहंदी में हर जगह यूज़ होता है, उसके बिना मेहंदी इनकम्प्लीट है, उसे हम हम्स या फिर फ्रिल या फिर हिंदी में किंगरी भी कहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज़्यादा करनी है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट है मेहंदी में। देखिए, इस तरीके से आपके छोटे बड़े आएंगे स्टार्टिंग में, तो ठीक है, इस तरीके से नहीं निकालने हैं। स्टार्टिंग से एंड तक आपके एकदम सेम आने चाहिए साइज, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, मोटे पतले भी नहीं होने चाहिए, एकदम सेम साइज के आने चाहिए। देखिए इस तरीके से, जब तक ऐसे आपके नहीं आते, आप कंटिन्यूसली नीचे नीचे प्रैक्टिस करते जाइए। इसी टाइप के दूसरे हैं जो हम थोड़े बड़े वाले बनाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। वो भी छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, और उसके ऊपर जो हम लेयर भरते हैं वो इस तरीके से नहीं भरने हैं जिससे कि वो शेप ख़राब हो जाए। अभी देखिए, मैं नीचे आपको प्रॉपर तरीके से बना के दिखाती हूँ। जो हमारे छोटे हम्स हैं उस पर ये बड़े वाले हम्स आपको देखने को मिलेंगे मेहंदी डिज़ाइंस में, तो वो एकदम क्लीन और नीट कैसे बनाने हैं, तो इस तरीके से बनाने हैं। पहले हमने छोटे वाले बना लिए, अब हम उसके ऊपर बड़े वाले बनाते हैं। बड़े वाले बनाते समय भी उसका भी शेप छोटा बड़ा नहीं दिखना चाहिए, एकदम सेम दिखना चाहिए। अब इसके वो लेयर भरने के लिए हमें इस तरीके से भरना है। देखिए मैं कैसे भर रही हूँ, जिससे कि वो शेप ख़राब ना हो। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपका भी ऐसे ही दिखना चाहिए। आप इसकी भी बहुत प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारी मेहंदी का। अभी हम एक सर्कल पे हम ट्राई करके देखेंगे, छोटा सा फ्लावर बना के देखेंगे। इस तरीके से आपको सर्कल पे ये हम्स बनाने हैं।
तो इस तरीके से आपका फ्लावर छोटा सा दिखना चाहिए। देखिए ये एकदम करेक्ट बन चुका है। अभी बिगिनर्स कैसे बनाते हैं, उनके जो ऊपर के हम्स हैं वो ऐसे दिखते हैं स्टार्टिंग में, छोटे बड़े हो जाते हैं, तो वैसे नहीं दिखने चाहिए, ये रॉन्ग है। इसी फ्लावर पे अब हम डॉट्स बना के देखते हैं। देखते हैं हमने डॉट्स बनाना कैसे सीखा है, ये रॉन्ग वे है। हमें डॉट एक ही जगह पर प्रेस करके बनाना है इस तरीके से, ये एकदम परफेक्ट वे है। तो आज के हमारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपको एक ड्राइंग बुक बनानी है और स्टार्टिंग से ये सारे एलिमेंट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अगली क्लास जल्द ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।